ऑल इंडिया मजलिस ताजुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर निशाना। ओवैसी ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर साधा निशाना, सभी लोगों के घर तोड़ दीजिए, ओवैसी ने कहा है। योगी सुपर सीजीआई हो गए हैं, हिंदुस्तान में नौजवान बेरोजगार हैं, ओवैसी ने ये तमाम बातें कही है। तो निशाना साधा है ओवैसी ने और कई सारी बातें कही है सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कि सभी लोगों के घर तोड़ दीजिए, और साथ ही साथ कहा है कि योगी सुपर सीजीआई हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ये अपने बयान में कहा है, हिंदुस्तान में नौजवान बेरोजगार हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उनका ये बयान आया है। उन्होंने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना साधा है और ये कहा है कि सभी लोगों के घर तोड़ दीजिए, और एक तंज कसा है कि योगी सुपर सीजीआई हो गए हैं, यानी योगी आदित्यनाथ सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं, हिंदुस्तान में नौजवान बेरोजगार हैं। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप, रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी, आपको कोई अख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले, तोड़ना टीनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उसमें तो 5-5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है, और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है, हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी, ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो।